अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, और हम सब भी यहाँ पर ठीक हैं। और यहाँ इब्राहिम साइकिल पर अपनी मस्ती कर रहे हैं, चला रहे हैं। बच्चे इब्राहिम को नीचे ले गए थे साइकिल चलाने, यहाँ खेल रहे हैं। बस बस दोस्तों, यहाँ पे अभी ये नमाज पढ़ रहे थे, अभी बैठ चुके हैं। माँ तलक है, आप देख सकते हैं माँ तलक को। मेरे दोस्त अभी जा रहे हैं। आप सबको मेरी तरफ से रमजान का दूसरा जुम्मा मुबारक। दोस्तों, कल बारिश हुई थी तो मौसम ठंडा हो रहा था, तो इसलिए मैं ये आज आइसक्रीम ले आई थी, क्योंकि ठंड में पिघलती नहीं है, इसलिए मैं ले आई। बहुत टेस्टी ऑरेंज वाली फ्लेवर किया, और ये ज़्यादा पिघल भी नहीं रही क्योंकि सामने से थी, तो मैं ले आई। मैं दोस्त के साथ जा रही थी टहलते, तो इसलिए उसने कहा कि ले आइसक्रीम वाला है तो ले ले तू भी, मैं भी ले के चली जाती हूँ। तो फिर हम दोनों घर गए, और फिर वो अपने घर गए अपने घर, और फिर मैं अपने घर गई, फिर मैंने पैसे लिए, और फिर मैं वो लेके आइसक्रीम मांगे, लेकिन मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी, वो चली गई थी। सायरन बज रहा, सायरन देखिए, होठ में खून भी निकल गया है, मुंह में जबान पर दिख रहा है खून निकल गया। इब्राहिम ने चोट भी लगा लिया मुंह में रो रो के, देखिए री जबान हटाओ। ये अब इब्राहिम ना अभी प्यार कर रहे थे कबूतर को, बड़ा कबूतर प्यार करो, कैसे करते आप? ये दोस्तों आप देख सकते हैं, इब्राहिम जाओ, कबूतर बुला रहा है, कैसे करें अपने तो इब्राहिम आप देख सकते हैं, इब्राहिम भगाओ कबूतर को, आप कैसे प्यार करते हैं इब्राहिमी। चलो देखिए इब्राहिम क्या कर रहे हैं। तो ये पूछे तुम क्यों आए हो, यूं करके क्यों आए हो तुम, क्यों इधर आओ, इधर आ जाओ। ये है मुर्गा, ये है बकरे का कोरमा, और ये है भुनावा कीमा, ये है बिरयानी, और वो है रोट नान। अब देख, यहाँ पे मम्मी मेरा नूडल्स तैयार कर रही हैं, ठंडा। तो हमारा ना दिन नहीं गुजरता बिना चाय के, तो इसलिए हम रोज शाम को चाय ही पीते हैं, और उसके साथ मैं बिस्किट ले आती हूँ। तो भैया और मैं बिस्किट खा के चाय पी लेते हैं, बिस्किट के साथ चाय पी लेते हैं। तेरे इब्राहिम की चाय छोटे से कप में, और येरी मम्मी की चाय। सही,
ये था हमारा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बहुत सारा सपोर्ट करें। यकीन ये बैठे थे तो इब्राहिम की ज़बान पर पता नहीं कहाँ से उसे कील मिल गई थी, तो वो लग गई थी उससे, जिससे खून निकल आया था, तो बहुत रो रहा था। फिर हमारे अख्तियार के बाद एक कबूतर आ गया था घर पर, तो उससे खेलने लगा, बहुत खेला, फिर चुप हो गया था, खुश हो गया था। और उसके बाद फिर हमने खाना खाया, खाना वाना खाकर हम चाय पीकर मार्केट गए। लबीबा के लिए ईद की कुछ शॉपिंग करने गए थे, लेकिन कुछ नहीं मिला, दुकानें बंद होती जा रही थी, तो हम आ गए। ये था हमारा आज का व्लॉग। अगले व्लॉग में आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।